बुधवार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय ठाकुर और सदस्य जयप्रकाश काल्टा को शपथ दिलाई गई। राजभवन में आयोजित सादे व गरिमापूर्ण समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में अजय कुमार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने इस मौके पर जयप्रकाश काल्टा को भी आयोग के सदस्य के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूँगा। मैं अजय कुमार, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता, ज्ञान एवं समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं अजय कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं जयप्रकाश काल्टा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूँगा। मैं जयप्रकाश काल्टा सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता, ज्ञान, समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। जयप्रकाश काल्टा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का पूरे देश भर में नाम है। आयोग पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। नए अध्यक्ष और सदस्य बनने के बाद काम में तेजी आएगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत अच्छा नाम है पूरे देश भर में। पारदर्शिता के साथ यहाँ पहले से काम होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। अब सिर्फ इतना है कि नए मेंबर और नए मेंबर के साथ चेयरमैन की एक जिम्मेवारी यहाँ पर जिन लोगों को दी गई है, वो लोग आगे इस प्रक्रिया को जो आज से पहले चल रही थी हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लोगों की जो चयन की जो प्रक्रिया होती है उसको आगे जो है वो पारदर्शिता के साथ जिस तरह से चल रही थी उस तरह से काम करते हैं। लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि वे इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि परीक्षा में पारदर्शिता को बनाए रखने के साथ साथ अगर कहीं कोई भी कमी पाई जाती है तो उसे दूर किया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग के अध्यक्ष का पद सरकार ने मुझे उसके लिए चुना है, ये बहुत भारी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा एक दायित्व मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सौंपा है, तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार जताना चाहूँगा। और अभी इस समय मैं यही कह सकता हूँ कि पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करूँगा और हमारा हिमाचल प्रदेश का ये जो आयोग है ये अपनी ऑब्जेक्टिविटी, फेयर सिलेक्शन के लिए पहले से ही बहुत अच्छा कार्य हुआ है और बहुत मशहूर है इसमें, पर जो भी पारदर्शिता और लाने का स्कोप होगा सिलेक्शन प्रोसेस में और ऑब्जेक्टिविटी लाने का स्कोप होगा उसको और बढ़ाएंगे। पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसा कुछ
नहीं है कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, बट और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो भी प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं जहाँ भर्ती प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है, उसको एक्सपीडाइट करेंगे ताकि विभिन्न पदों पर जल्दी से जल्दी नियुक्तियाँ हों, सरकार की एफिशिएंसी बढ़े, क्योंकि जितना टाइम पद ज़्यादा खाली रहेगा तो एफिशिएंसी प्रभावित होती है। और जो अभ्यर्थी होते हैं, जो लोग कंपटीशन देते हैं, उनके लिए भी आसान रहेगा कि जल्दी से जल्दी उनको भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो लोक सेवा आयोग की सदस्य रचना गुप्ता ने कहा कि लोक सेवा देश भर में पारदर्शिता के लिए जाना जाता है और भविष्य में भी इसके लिए काम करता रहेगा। लोक सेवा आयोग महिलाओं को अधिक मौका देने और महिला सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से निशुल्क भर्ती प्रक्रिया करवा रहा है, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। भर्ती प्रक्रिया एक कॉन्स्टेंट प्रक्रिया, सतत चलती रहती है और उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता पहले से भी रही है, अभी भी रहेगी और आगे भी रहेगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक विश्वसनीयता है और मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस विश्वसनीयता को कमीशन ने हमेशा बनाए रखा। और ऐसे सेवक, जन सेवक, आप ऑफिसर्स देख लीजिए, डॉक्टर्स देख लीजिए, इंजीनियर्स देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स देख लीजिए, एक स्तरीय दिए, अच्छे दिए, जो हिमाचल सरकार का शासन चला रहे हैं, विभिन्न विभागों में तैनात हैं। एक चीज़ मैं आपसे साझा ये करना चाहती हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, विमेन कैंडिडेट्स के लिए फीस माफ़ करी थी, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां पढ़ी लिखी ऐसी होती हैं जो गरीब परिवारों से होती हैं और वो सक्षम नहीं थी परिवार उनके कि वो बार बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सके। लेकिन सर्विस कमीशन ने, हमने अपने समय में इसको लागू किया और हालांकि इसका वित्तीय प्रभार थोड़ा सा पड़ा सरकार को, लेकिन वो महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत वो कुछ भी मुझे लगता मायने नहीं रखता। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो महिला कैंडिडेट कम हुआ करती थी पहले कमीशन में अप्लाई करती थी, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है, हर बार ही सफलता मिले, तो उस सफलता का बढ़ाने के लिए, स्तर बढ़ाने के लिए वो बार बार अप्लाई कर सकती है क्योंकि उसको कोई फीस नहीं देनी होती। तो एक साल में हमने 2019 के एंड में इसको इम्प्लीमेंट किया था और 20 से इसको हमने लागू कर दिया था। तो अभी जो हमारा थोड़ा सा कोविड करके, हालांकि इतना भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी प्रभावित तो हुई थी, लेकिन फिर भी जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है और उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।